गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। पिछली दो वीडियोस में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो दोनों वीडियो मिस कर दिए, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम प्रॉपर टेंस पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है टेंस का। तीन कॉलम है, एक में प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ये देखिए इसमें सारा चार्ट बना हुआ है। एक बार आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और इसका याद होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और बताता भी हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट टेंस जो कॉलम में लिखा हुआ है, पहले ही मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ती हूँ, ऐसे शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट का मतलब अनसर्टेन, अनिश्चित होता है, काम का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इसी तरीके से पूरा चार्ट इसमें दिया हुआ है। आप एक बार इस चार्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और सारी हेल्पिंग वर्ब और सारे मेन वर्ब लिखे हुए हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब में क्या यूज किया जाता है, कहाँ V1 यूज करते हैं, कहाँ V2 यूज करते हैं, कहाँ V3 यूज करते हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि मेन वर्ब याद करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। जितने भी सिंपल टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल हुआ या सिंपल पास्ट हुआ या सिंपल फ्यूचर हुआ, आप देखेंगे कि सब में ही V1 यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है बच्चों? कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वही हमारा मेन वर्ब है। जैसे राम दौड़ता है, तो कर्ता तो वो होता है जो काम को करता है। जैसे दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? दौड़ने का, तो दौड़ना मेन वर्ब हो गया। जैसे सचिन खेलता है, तो सचिन सब्जेक्ट हो गया, इसलिए सब्जेक्ट हो गया क्योंकि काम सचिन के द्वारा हो रहा है, और सचिन कौन सा काम कर रहा है? खेलने का, तो खेलना मेन वर्ब हो गया। इसी तरीके से आप, ये एक ट्रिक है सब्जेक्ट और मेन वर्ब पहचानने की, आपको टेंस करने से पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब आना चाहिए। मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगता है, उसी का मैंने ये चार्ट बनाया है। दो वीडियोस मैंने आपको बताए थे, वो भी एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन का था और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। आज मैं चारों टेंस के, तीनों टेंस के जो चारों टाइप हैं, उनका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, चार्ट बनाया है, आप उसको लिखिए और याद करिए। देखिए जितने भी सिंपल टेंस हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप देख रहे हैं सब में V1 लिखा हुआ है, एक सिंपल पास्ट को छोड़ के। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में V2 लगता है, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी में देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, सब में देखिए हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, लेकिन मेन वर्ब सभी का सेम है, सब में V1 प्लस ING लगा हुआ है। सभी में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V1 प्लस ING, पास्ट में V1 प्लस ING, फ्यूचर में भी V1 प्लस ING। तो इसका मतलब आपको याद रखना है
कि जहाँ भी कंटिन्यूअस लिखा हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब तो सबकी अलग अलग होगी ही। जैसे हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर है, फ्यूचर में शैल और विल बी है, शैल बी विल बी। लेकिन मेन वर्ब सबके सेम है, वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी। इसी तरीके से जब हम परफेक्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में एक चीज़ कॉमन ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए वी थ्री लिखा हुआ है और मैंने इनकी पहचान भी लिख दी है शॉर्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थे, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और उनकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव है, पास्ट में हैड है, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव है। ये सब में अलग है, लेकिन आप जब मेन वर्ब देखेंगे तो सब में वी थ्री लगा हुआ है, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, हेल्पिंग वर्ब सबकी अलग अलग है लेकिन मेन वर्ब सबकी सेम है। तो आपका ये होमवर्क है आज कि आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाइए और सबकी डेफिनेशन और पहचान याद कर लीजिए कि हिंदी के वाक्य में जब ताथा, तीथी, तेथे आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगती है। इसी तरीके से आपको पूरा चार्ट बना के याद करना है। और क्योंकि कुछ बच्चों ने वो वीडियोस देखे नहीं हैं पुराने वाले, आप कोई भी वीडियो अगर आपको भेजा जाता है तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्म में आपके लिए यूजफुल ही रहता है। लेकिन आप लोग इतना भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि वीडियो को देख पाएँ। आप इस चार्ट को बनाइए और आज याद करिए, तभी हम लोग टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज यही आपका काम है और इसको याद कर लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा कि थर्सडे को आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, जिसमें बिहाइव का फर्स्ट लेसन और एक इनफॉर्मल लेटर होगा। टेस्ट 20 नंबर का होगा और आप लोग अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। बिहाइव का फर्स्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगा, थोड़े मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़े शॉर्ट टाइप आंसर होंगे और एक इनफॉर्मल लेटर होगा। लेटर आपको लिखना होगा अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या फैमिली मेम्बर्स को, इनफॉर्मल लेटर। लेटर्स के जो टाइप्स थे और उनके फॉर्मेट थे, उसका वीडियो भी मैंने आपको भेजा था लेकिन बहुत लोगों ने देखा नहीं है। आज आप अपने ग्रुप में उसको खोजिएगा, मैं दोबारा भी उसको भेज दूँगा, आप उसको देखना और इस चार्ट को ज़रूर बना लेना। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।